दोस्तों, वैलेंटाइन डे को प्यार का दिन माना जाता है। वैसे तो वैलेंटाइन डे को लेकर बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, पर मैंने सोचा कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है, तो मैं भी आपको कुछ रोचक कहानियों से रूबरू कराता चलूं। क्या आपको पता है कि 14 फरवरी को ही वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? मैं आपको बताता हूँ। ऑरिया ऑफ जेकोबस डी वर्जिन नाम की पुस्तक के मुताबिक प्राचीन रोम के एक पादरी संत थे जिनका नाम संत वैलेंटाइन था। वे दुनिया में प्यार को बढ़ावा देने में मान्यता रखते थे। उनके लिए प्रेम में ही जीवन था, लेकिन इस शहर के राजा क्लॉडियस को उनकी यह बात पसंद नहीं आई। राजा को लगता था कि प्रेम और विवाह में पुरुषों की बुद्धि और शक्ति दोनों ही खत्म हो जाती है। इसी वजह से उनके राज्य में सैनिक और अधिकारी शादी भी नहीं कर सकते थे। संत वैलेंटाइन ने राजा के इस आदेश का विरोध किया और रोम के लोगों को प्यार और विवाह के लिए प्रेरित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कई अधिकारी और सैनिकों की शादी भी करा दी। जब राजा को यह बात पता चली तो वह भड़क गया और उसने संत वैलेंटाइन को 14 फरवरी 269 को फांसी पर चढ़ा दिया। उसी दिन से हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाने लगा। कहा जाता है कि संत वैलेंटाइन ने अपनी मौत के समय जेलर की नेत्रहीन बेटी जेकोबस को अपनी आंखें दान में दी थी। उन्होंने जेकोबस को एक पत्र भी लिखा था जिसके आखिर में उन्होंने लिखा था कि तुम्हारा वैलेंटाइन। तो दोस्तों, यह थी वैलेंटाइन डे की कहानी, लेकिन अभी असली बात तो कहीं बाकी है। वैलेंटाइन डे की आड़ में हम कहीं यह न भूल जाएं कि जब लोग वैलेंटाइन डे मनाने में व्यस्त थे, तब उसी दिन 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के वीर जवानों पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के 40 वीर सपूत शहीद हो गए थे। इस घटना ने हर भारतीय को झकझोर दिया था, क्योंकि देश ने 40 वीर सपूतों को खो दिया था। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि फौजी भी कितने कमाल के होते हैं, पर्स में परिवार और दिल में देश रखते हैं। हम सबकी तरफ से पुलवामा हमले में शहीद वीर सपूतों को शत शत नमन है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।